नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि अपने हम व्यू में कैसे एंटिटी डिफरेंस का यूज़ करेंगे, और एक जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक ट्यूटर के कंटेंट टाइप में उसका व्यू बना के यहाँ पर एक सर्च फील्ड लगाई थी। अब हम लोग दूसरे कंटेंट टाइप हमारे पास जो बचा हुआ है वो स्टूडेंट, उसमें हम लोग सेम चीज़ करेंगे और रिलेशन बनाएंगे ट्यूटर का। तो हम लोग ट्यूटर सर्च करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जितने भी स्टूडेंट हैं उसके वो आ जाएंगे। तो ये एक तरीके का एंटिटी रेफरेंस ही कहा जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो उसके लिए आप मॉड्यूल तो पहले भी हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमारा ये मॉड्यूल यूज़ हो रहा है और एक एंटिटी रेफरेंस यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, कंटेंट टाइप चेक कर लेते हैं। तो कंटेंट टाइप हमारे पास एक स्टूडेंट है और इसकी जो मैनेज फील्ड है उसमें इतनी सारी फील्ड हमने ले रखी हैं, ठीक है। ये चार फील्ड ले रखी हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एंटिटी रेफरेंस का भी यूज़ किया था। अब चलते हैं, एक व्यू बनाते हैं, ऐड न्यू व्यू, और इसका नाम देते हैं स्टूडेंट ऑटो कम्प्लीट डेमो, ठीक है। और इसमें हम स्टूडेंट का बना रहे हैं, तो स्टूडेंट, ठीक है। एक पेज बनाएंगे हम, फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया। अब इसके बाद हम हमेशा की तरह टेबल ले लेते हैं ताकि ईजी सब कुछ हो जाए, ईजीली डिस्प्ले हो, ठीक है। टेबल ले लिया और टेबल में हम लोग टाइटल ले लेते हैं, लेबल स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम ले लिया हमने, अप्लाई, ठीक है। वो स्टूडेंट नेम ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, स्टूडेंट की कंटेंट टाइप में अगर देखें तो कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स और असाइन टू ट्यूटर, ठीक है। दो तीन चीज़ और बची, तो हम लोग लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, लेबल कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, और ले लेते हैं हमारे पास कोर्स नेम, कोर्स नेम एड डिफ़ॉल्ट सेव। तो हमारे पास कोर्स नेम आ गया। अब दोस्तों, अब एंटिटी रेफरेंस का हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ पर एडवांस और एक रिलेशनशिप बनाएंगे अपने दूसरे वाले कंटेंट टाइप से जो कि है हमारा ट्यूटर, ठीक है। तो ये इसको करते हैं यहाँ पर ऐड, और नीचे हम जो फील्ड सेलेक्ट करने वाले हैं वो ये है आपका एंटिटी रेफरेंस, ठीक है। ये आपको यूज़ करना है यहाँ पर एंटिटी रेफरेंस, जो कि हमारी फील्ड थी असाइन टू ट्यूटर वाली, ठीक है। तो इसको आपको यूज़ करना है, ठीक है। इस पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर ये देखिए ये आइडेंटिफायर बना, जो जहाँ भी आप यूज़ करोगे ये यूज़ करोगे। आपको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, दिस रिलेशनशिप रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद ठीक ये आ गया। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। अब जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, टाइटल, कंटेंट टाइटल, अब जो यहाँ पर रिलेशनशिप बनाएंगे वो हम बनाएंगे कंटेंट एंटिटी रेफरेंस, जो कि हमने अभी रिलेशनशिप बनाया था उस फील्ड से, ठीक है। सॉरी, तो ट्विटर, ट्विटर नेम कर देते हैं इसको, ठीक है। ट्विटर नेम कर दिया, इसके बाद अप्लाई। ये देखिए दोस्तों, ये जो आ गया नंबर ऑफ जो हमारा ट्यूटर नेम है वो आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप रिलेशनशिप भी देख सकते हैं जो हमारा बना है, ठीक। अब इसमें हम फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम फिल्टर में जाएंगे, टाइटल, रिलेशनशिप यहाँ नहीं यूज़ करेंगे, एक्सपोज फिल्टर, कंटेन, यहाँ पर रिलेशनशिप आप यूज़ करेंगे कि आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा जो भी आपने रिलेशनशिप बनाया है यहाँ पर अभी ट्यूटर के कंटेंट टाइप से। अब यहाँ पर यूज़ ऑटो कम्प्लीट, और कितना आपको रिजल्ट चाहिए इसकी सेटिंग आप यहाँ करेंगे। यहाँ पर आपको सॉरी, यहाँ पर आपको जो आपकी जो फील्ड है
जैसे आपको ट्यूटर सर्च करना है, मैंने बोला था ट्यूटर सर्च करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जितने भी स्टूडेंट हैं उसके वो आ जाएंगे, जितने भी हमने असाइन किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप सेलेक्ट करके अप्लाई कीजिए। देखिए अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि जब भी हमने स्टूडेंट ऐड किया था, उस स्टूडेंट ऐड करते समय और टीचर सेलेक्ट किया था। अब जैसे कि आप विहान को अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, अभी सेव कर लेते हैं इसको एक बार। अब विहान को हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है, विहान वर्मा, ठीक है। अब देखिए एक ही स्टूडेंट है उसके पास, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है, और हमारे पास टीचर है आरओ, ठीक है। तो लोग आरओ सर्च करते हैं, आरओ हमने सेलेक्ट कर लिया और अप्लाई किया तो आरओ के रिज़ल्ट आ गए, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर दो चीज़ें हुई, यहाँ पर एक हमारी हुई एंटिटी डिफरेंस के थ्रू हमने रिलेशन बना के अपने ट्यूटर से स्टूडेंट को फाइंड आउट किया, ठीक है, और सर्च फंक्शनलिटी के थ्रू हम लोग स्टूडेंट और टीचर का नेम डाल के स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं पेज में कैसा लगेगा। तो ये बना हमारा पूरा रिकॉर्ड और नंबर ऑफ लिस्ट हो गई है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सर्च करते हैं कुमार, ठीक है, ये देखिए जाहिर सी बात हमने जो भी रिलेशन बनाया, मतलब जो भी फ़िल्टर लगाया था उसमें कंटेन लगाया था, तो जहाँ जहाँ कुमार होगा वो सब लेके आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं आदित्य कुमार, ठीक है, आदित्य कुमार को हम सर्च करेंगे तो हमारे पास कितने रिजल्ट आए, दो। और हम देखें यहाँ पर कितने रिजल्ट हैं हमारे आदित्य कुमार के, एक आदित्य ये और एक आदित्य ये, ठीक है, दो रिकॉर्ड हैं हमारे पास, ये आ गए। दोस्तों ये था कि कैसे हम अपने व्यू में ऑटो कम्प्लीट की एक फील्ड यूज़ करें और कैसे रिलेशन बनाएं किसी कंटेंट टाइप से, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि जो मैंने स्टूडेंट ऐड किया था, रीसेट स्टूडेंट कंटेंट, तो मैंने ये इतने स्टूडेंट ऐड किए थे और इनको ऐड करते समय हमने टीचर यहाँ सेलेक्ट किए थे, देखिए ये सेलेक्ट किए, रिकॉर्ड है सेलेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सर्च किया और स्टूडेंट हमारा रिकॉर्ड मिल गया। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, तो आप कमेंट छोड़िए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें ड्रूपल ट्यूटोरियल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।